दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M32 के बारे में। दोस्तों ये फ़ोन दोस्तों 21 जून को इंडिया में लॉन्च हो रहा है दोस्तों, तो इस बार जानते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M32 में क्या कमाल होने वाला है और बात करेंगे ये फ़ोन कैसा रहने वाला है और जिस प्राइस के साथ आपको इंडिया में ये फ़ोन देखने को मिलेगा, क्या ये फ़ोन सही में वैसा काम कर पाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में यही मैं बात करने वाला हूँ। वैसे अगर आप सभी को पता नहीं है कितना प्राइस के साथ इंडिया में लॉन्च होने वाला है, कितना स्पेक्स रहने वाला है, सब कुछ आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें और जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर जाके फॉलो कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सैमसंग जब भी अपना फ़ोन अब लॉन्च कर रहा है वो तो चाहे एम सीरीज में लॉन्च करेगा चाहे तो एफ सीरीज में, दोनों ही सीरीज का सक्सेसफुल है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सैमसंग गैलेक्सी M32 का लुक और डिज़ाइन के बारे में दोस्तों। तो आपको जिस तरह से आपको पता होगा दो फोन हाल ही में लॉन्च हुआ था सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज में दोस्तों, एक सैमसंग गैलेक्सी एफ सीरीज में, उसी तरह का आपको सेम डिज़ाइन इस फोन में भी देखने को मिलेगा। वही स्क्वायर शेप में आपको कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, पीछे से प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगा, वही डिज़ाइन आपको सेम अगेन सब चीज़ जो है उसी तरह से रहने वाला है। बैक डिज़ाइन आप जितना भी देखेंगे, सब जितना भी अभी आ रहा है सैमसंग का फ़ोन उसी तरह का रहने वाला है दोस्तों। तो इसमें आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी ठीक है दोस्तों, एवरेज है, बट डिज़ाइन जो है अगेन सब सेम ही दे रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में दोस्तों। डिस्प्ले इस फोन का कैसा रहने वाला है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले सुपर एमोलेड पैनल के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट के साथ डिस्प्ले, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। आपको यहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल भी दे देता है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन भी दे देता है एंड 90 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट भी दे देता है। तो डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं है दोस्तों, अच्छा डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको कोई भी पंचोल कैमरा सेटअप देखने को नहीं मिलेगा, वही अगेन पुराना जमाना वाला जो कि 2020 में चलता था, ड्रॉप नोच में आपको देखने को मिलेगा डिजाइन डिस्प्ले का, जो कि खास करके हमें ज़्यादा पसंद नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि अभी जमाना जो है पंचोल में आ गया है फिर भी ड्रॉप नोच में देता है तो देखने में लगता है कि अभी लेटेस्ट फ़ोन नहीं है दोस्तों। तो डिस्प्ले जो आपको देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेशिंग रेट है दोस्तों, सुपर एमोलेड पैनल के साथ आता है, तो कोई भी कमी वैसे नहीं है डिस्प्ले में। बट जो लेटेस्ट डिजाइन होता है वैसा डिस्प्ले का नहीं रहने वाला है दोस्तों, बट ठीक ठाक है दोस्तों, डिस्प्ले का क्वालिटी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस का, किस तरह का परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन का रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, मीडियाटेक हीलियो का G85 का प्रोसेसर, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है जिसका अंतुतु स्कोर की बात करूँ तो 2,50,000 के आसपास निकल के आता है दोस्तों। 11 नैनोमीटर पर जो है लॉक प्रोसेसर है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 11,000 में ये फोन अगर लॉन्च होता है तो काफ़ी अच्छा इस फोन का परफॉर्मेंस रहने वाला है, जो कि मीडियाटेक हीलियो G85 भले पुराना है, एक साल पुराना है शायद, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आपको दे देगा। आप अच्छा से अच्छा गेमिंग खेल पाएंगे इस प्रोसेसर पर भी। लेकिन आप सबको पता होगा सैमसंग का जितना भी पहले फ़ोन आता था तो वहाँ पर इग्नोस का प्रोसेसर दे देता था, बट अब कुछ चेंज किया है दोस्तों, यहाँ पर आपको दे रहा है मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। बट 4G प्रोसेसर होने वाला है, यानी कि कोई भी 5G फोन आपको नहीं मिलने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M32। प्रोसेसर की बात करूँ तो आपको ठीक ठाक प्रोसेसर देखने को मिल जाता है इस फोन के साथ। तो अब बात कर लेते हैं बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में। तो आपको यहाँ पर बिग बैटरी देखने को मिलेगा 6000 mAh का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, आपको अच्छा से अच्छा 6000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिल सकता है 20W का दोस्तों, 20W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा 6000 mAh बैटरी के साथ। टाइप सी पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, काफ़ी बड़ा बैटरी आपको इस स्मार्टफोन के साथ देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको रियर में 64 मेगापिक्सल का जो है प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के साथ एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का जो आपको देखने को मिलेगा डेप्थ सेंसर एंड 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस आपको इस स्मार्टफोन के साथ देखने को मिलने वाला है, जो कि कैमरा के मामले में काफ़ी अच्छा ये फोन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं सेल्फी कैमरा के बारे में। तो आपको यहाँ पर 20 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाता है दोस्तों। तो सेल्फी कैमरा और रियर कैमरा में कोई भी डिफरेंस नहीं है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी आपको मिलने वाला है इस फोन के साथ कैमरा में दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं किस प्राइस के साथ आपको देखने को मिलेगा। वैसे लीक की माने तो 14,000 से 15,000 में आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा। सैमसंग का फ़ोन है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो 15,000 तो इस फ़ोन का प्राइस रहेगा। बट मैं आप सभी को बताता हूँ कि आप सभी को लेना चाहिए या नहीं। इस प्राइस के साथ हमें अगर क्वालकॉम का 7 सीरीज वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता
तो काफ़ी अच्छी बात हो सकता था दोस्तों। बाकी रियलमी रेडमी जैसा ब्रांड जो है उस 7 सीरीज का प्रोसेसर दे रहा है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का, बट जिस प्राइस के साथ हमें ये देखने को मिलेगा 15,000 में, हमें मीडियाटेक हीलियो G85 जो है वो 10,000 में ही देखने को मिल जाता है। तो प्रोसेसर के लिए आप अगर ये फ़ोन ले रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस तरह का परफॉर्मेंस आपको कई सारा स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा इससे अच्छा इस प्राइस रेंज में दोस्तों। 15,000 में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वाला फ़ोन देखने को मिल जाएगा, बट अगेन डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है स्मार्टफोन का और बैटरी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, कैमरा काफ़ी अच्छा है, प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है, बट प्रोसेसर में जो है थोड़ा कमी देखने को मिल जाता है, डिज़ाइन भी उतना अच्छा नहीं है दोस्तों, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा ये स्मार्टफोन होने वाला है दोस्तों। अब लॉन्च डेट की बात करूँ तो 21 जून को ये फ़ोन फाइनली इंडिया में लॉन्च हो रहा है। प्राइस की बात कर लिया, 15,000 में आपको देखने को मिलेगा 6GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ। इस फ़ोन का प्राइस जो है अराउंड 15,000 रहने वाला है दोस्तों। फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, पर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को